लो जी ते हुण मेरे नाल ने क्रिएटिव जोन दे डायरेक्टर ज़ियाउर रहमान जी। हैलो सर। हैलो जी, कैसे हैं सर? की हुंदा है कि जदों थोड़े कोल कोई कस्टमर आवे कुर्सी ते बह के सर्विस लैण तो बाद अपने आप नूं बड़ा सोहना देख के एक बड़ी वधिया उहदे चेहरे ते समाइल हुंदी आ ते उह समाइल थोड़े करके मिलदी आ ते उस समाइल दे करके तुहानूं किन्नी खुशी हुंदी आ, मतलब तुसीं की फील करदे हो इहदे बारे सानूं दस्सो। मैं मानता हूँ कि क्लाइंट का जब हम लोगों ने काम किया और क्लाइंट के फेस पे जो स्माइल है, चाहे वो मेकअप के साथ चेंज हुई या वो हेयर स्टाइल के साथ कोई चेंज हुई, उसके फेस पे जो हमें स्माइल दिखती है वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होती है कि हमारे काम से किसी के फेस पे स्माइल आई। सो क्रिएटिव जोन एक ब्यूटी अकेडमी भी है, तो थोड़े वालों किवें दे कोर्सेज कराए जाते हैं सानू उहदे बारे दस्सो। क्रिएटिव जोन ब्यूटी अकेडमी में बच्चों को कोर्सेज करवाए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं और लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं। इसमें कोर्सेज ये है कि स्टूडेंट्स अगर कोई बाहर जा रहा है और वो फास्ट ट्रैक कोर्स करना चाहता है, फास्ट ट्रैक कोर्स में ये फैसिलिटीज होती है कि बच्चे ने फाइल बाहर के लिए अप्लाई की हुई है बट बच्चे के पास सिर्फ 3 मंथ या 4 मंथ है, तो उसमें जो हमारा 7th month या 8th month वाला कोई कोर्स होता है तो वो बच्चे को हम फास्ट ट्रैक में करवा देते हैं, जिसमें बच्चे को जो है अकेडमी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होता है। सो क्रिएटिव जोन ब्यूटी अकेडमी दे स्टूडेंट जो कि बाहर भी वर्क कर रहे हैं तो वो किस तरह वर्क कर रहे हैं तो उहदे बारे सानू थोड़ा दसो। देखो, ब्यूटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ब्यूटी इंडस्ट्री सबसे फास्ट ग्रोथ कर रही है स्किल्स के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार दे रही है तो ये ब्यूटी इंडस्ट्री है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छोटा सा भी सलून खोलता है तो उसको 3 से 4 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एक बड़ा ब्रांडेड प्रोफेशनल सलून खोलता है तो कम से कम 8 या 10 सलून स्टाफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे जो है जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको रोज़गार मिलता है। और आज के टाइम में देखो तो कितने ज़्यादा सलून्स हैं, अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो हर 10 कदम पे 50 कदम पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कई ज़्यादा सलून्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये इसी तरह से जो है इसके लिए फिर बच्चों की डिमांड बढ़ रही है स्टाफ की और ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है जी। तो सर जिमें थोड़े वालों कहा जा रहा है कि इतने कोर्सेस करने तो बाद 100% जॉब प्लेसमेंट है, सो असी जो देखिए जो गल करिए इंजीनियर तो होर भी कई वड्डी वड्डी लाइनों वालों हर साल बच्चे निकलते हैं पर उन्होंने उत्थे जॉब अप्लाई करने तो बाद उन्होंने असी कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे, तो थोड़ी इंडस्ट्री के किमें मतलब स्टूडेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, किमें 100% जॉब प्लेसमेंट है जी? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, कितने ज़्यादा सलोन्स है, घर के बाहर निकलते ही इतने ज़्यादा सलोन्स होते हैं कि हर जगह स्टाफ चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे आपने बताया कि हाँ हर साल बच्चा निकल रहा है लेकिन जॉब नहीं है, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसी है कि डेली का भी अगर 1 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलता है तो सभी के लिए जॉब है। यहाँ तक कि जो हमारे प्लेसमेंट पार्टनर हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, हम अपनी खुद की कंपनीज में भी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देते हैं। हमारे पास आज भी इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, सर स्टाफ दो, मतलब आज भी जो है करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। तो सर जिहड़ा कि ब्यूटी का एक होंदा है कि असीं देखिए जे आम साडे घरां दे विच भी कई लोगों नूं शौक होंदा है, लेकिन वह शौक ना पैसे की वजह कारण फैमिली प्रॉब्लम कर करन वह दब जाता है, सो तुसीं इदां दे लोगों बारे मतलब कि हैल्प कर किवें करदे हो, मतलब वह किवें तुहाडे वल कोशिश कर सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट्स बोला आपने, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है लोगों को देख के एक दूसरे को देख के इंटरेस्ट जगता है। हाँ, तो कुछ लोग अपनी फैमिली कंडीशन देखते हैं तो उनके माइंड में आता है कि हाँ मैं क्या ये कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो है हम लोगों ने भी समर वेकेशन चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए हमने यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग जो है स्टार्ट की है 10 डेज की। इसमें हम बच्चों को हेयर, स्किन, मेकअप इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनके टीचर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर जो है समर वेकेशन में 20+ स्कूल्स जो हैं विजिट करने वाले हैं, उसमें हमने हाउस वाइफ के लिए भी कुछ सीट्स जो है रिजर्व की हुई हैं, तो वो भी आके ज्वाइन कर सकती हैं, और इनको ट्रेनिंग के साथ साथ हम सभी को जो है सर्टिफिकेशन भी देंगे, और उनमें से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स अगर निकलते हैं तो उनको हम जॉब भी देंगे। हाँ जी, तो सर जिमें कि तुम बड़े सोहने लग रहे हो जी, जिमें सोने हैगे हो तो साडे जिहड़े देख रहे हैं सानू उन्होंने दसो कि वह सोहने दिखने वास्ते अपने किमें अपने आपको मेनटेन कर सकते हैं, उसके बारे सानू थोड़ा दस दो। देखो, खूबसूरती सिर्फ एक चेहरे से दिखने की नहीं होती, जो एक अच्छी खूबसूरती है वो इंटरनली होती है, यानी इंसान का जो है अंदर से भी साफ होना ज़रूरी है। अगर वो ब्यूटी की भी अगर बात करें, अगर मैन जो है वुमेन कोई भी अगर वो अंदर से हैप्पी है तो ऑब्वियसली बात है उसके फेस पे भी स्माइल होगी और फेस जो है ग्लो करेगा, तो हमारा खुद का इंटरनली भी जो है हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। तो तुसी दस दो कि जीरकपुर दे विच कित्थे थोड़ी अकेडमी? ये ब्यूटी अकेडमी जो हम लोगों ने समर वेकेशन स्टार्ट किया है, तो जो जीरकपुर एरिया है ये पटियाला रोड पर बिहाइंड लकी ढाबा
पन्नू कॉम्प्लेक्स में जो है क्रिएटिव जोन ब्यूटी एकेडमी है, यहाँ पे जो है बच्चे क्लासेस लगा सकते हैं। अगर चंडीगढ़ मोहाली की बात करें तो मोहाली 10 फेस में हमारी ब्रांच है, स्टूडेंट्स वहाँ पर क्लास लगा सकते हैं। बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्यूटी एकेडमी जो है वो क्रिएटिव जोन ने मलेरकोटला में लॉन्च की है, स्टूडेंट्स वहाँ पर भी क्लासेस लगा सकते हैं। वो ब्यूटी एकेडमी ऐसी है जहाँ पे 500 स्टूडेंट्स वन टाइम में जो है क्लासेस लगा सकते हैं। थैंक यू सर, थोड़ा बोला वजह लेके सानू मिलके जी। थैंक यू, ओके, थैंक यू। ठीक, सो एसी मेरे नाल क्रिएटिव जोन दे डायरेक्टर रहमान जी, सो बड़ा वजह लगे इन नाल गलबात करके। तो तुसी भी, थोड़े कोल है एक बहुत सुनहरी मौका, तुसी भी इत्थे विजिट करो ते अपने सुपने साकार करो। धन्यवाद जी।